नालागढ़ में आज सीएम वीरभद्र सिंह कई नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बद्दी में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी रहेंगे मौजूद। सरकार के दावों के बावजूद जारी है पीलिया का कहर। आज और बीते कल में दो लोगों ने तोड़ा दम। सरकार को सलाह देने के लिए अब विशेषज्ञ आए आगे। का पीलिया पर काबू पाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। पीलिया ने शिमला में कोहराम मचा रखा है। सरकार से लेकर अवाम तक हलकान है और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अस्पतालों में पीलिया के मरीजों की कतार बढ़ती जा रही है। प्रशासन रोकथाम की कोशिशें कर रहा है लेकिन पीलिया की बीमारी फिर भी बेलगाम है। पीलिया से बिगड़ते हालात के मद्देनजर जानकार शहर की तकनीकी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और सुभाष शर्मा मल्याना सीवरेज प्लांट को शहर के लाल पानी सीवरेज प्लांट से जोड़ने की वकालत कर रहे हैं, जहां दूषित पानी को ट्रीट करने की बेहतर व्यवस्था है। शिमला नगर निगम का आम बजट 24 फरवरी को पेश होगा। शिमला की जनता को निगम के बजट से उम्मीदें हैं। निगम ने शहर के बाशिंदों को बजट के जरिए राहत देने का भरोसा दिया है। शिमला नगर निगम के महापौर सुजॉय चौहान पेश करेंगे वर्ष 2016-17 का बजट। पिछले साल की तरह इस साल भी बजट के निगम के बजट के टैक्स फ्री रहने की उम्मीद। शिमला नगर निगम ने बजट में दिया राहत का भरोसा लेकिन निगम की वित्तीय हालत ज्यादा बेहतर ना होना शिमला के लोगों की बेहतर सुविधाओं में बन सकती है बाधा। शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़कें और पार्किंग की समस्या जैसे मुद्दों ने बढ़ाई निगम की मुश्किलें। जेएनयू मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का मामला। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बयानबाजी की निंदा। बोले किसी भी कांग्रेस नेता को आरएसएस से देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। रेलवे के ऑनलाइन बुकिंग में 6 लोगों की बुकिंग के फैसले से शिमला के पर्यटन कारोबारी मायूस। का फैसले से पर्यटन पर पड़ेगा असर। हालांकि कुछ लोगों ने फैसले पर जताई खुशी। ऊना में वन माफिया का कहर। जंगल की लकड़ी चुराने से रोकने पर वन विभाग की टीम पर गोला जानलेवा हमला। कई अधिकारी घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एक और बदमाशों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वन विभाग की टीम पर हमला बोला। अधिकारियों के मुताबिक रात की अंधेरी का फायदा उठाकर ट्रक में लकड़ी लूट कर ले जा रहे थे लोग, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों ने पूरी टीम पर हमला बोल दिया। अधिकारियों ने किसी तरह पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल अधिकारियों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला अब पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। माउंटर साहिब के भगवानपुर और पिपली वाला से 2 नाबालिग छात्राएं अगवा। परिवार ने गांव के ही 2 युवकों पर लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के ऊना के उपमंडल अंब से कई महीने पहले लापता हुए पत्रकार का अभी कोई सुराग नहीं, जिस कारण लापता पत्रकार की पत्नी और बच्चे काफी परेशान हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हिमाचल की सराज घाटी में एक फिल्म की शूटिंग हो रही है जो हिमाचल की एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन दूसरे प्रदेशों से आए कलाकारों को ये जगह इतनी पसंद आ रही है कि उन्होंने इसे फिल्म सिटी के तौर पर विकसित करने की मांग की। जंजैहली में फिल्म की शूटिंग से लोगों को कृषि और बागवानी के अलावा अन्य रोजगारों की जगी उम्मीद। कुदरत का अद्भुत नजारा देखकर फिल्म निर्माताओं में उत्साह। फिल्म में 80% कलाकार हिमाचल प्रदेश से हैं। इस फिल्म की शूटिंग के साथ ही अब इस खूबसूरत क्षेत्र को फिल्म सिटी के तौर पर विकसित करने की आवाज उठने लगी है। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कलहेल को मिला सम्मान। हिमाचल के 100 बेहतरीन स्कूलों में शामिल होने पर किया गया सम्मानित। स्टाफ, छात्र और अभिभावकों में खुशी का माहौल। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से ली करवट। हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत। तापमान गिरने से लोगों को ठंड का एहसास। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने की जताई आशंका। मनाली में जोरदार बारिश। बारिश में तरबतर हुए लोग। तापमान में आई गिरावट। सैलानी खुश।
हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जारी बर्फबारी और बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जताई अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका, ठंड में अभी और होगी बढ़ोतरी। धर्मशाला में बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश पठानिया के नेतृत्व में एक यूथ ग्रुप ने धर्मशाला में होने वाले T20 मैच का विरोध करने का किया फैसला। पंचायत चुनाव के कई नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी किया पाक टीम के विरोध का समर्थन। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कलहील को मिला सम्मान, हिमाचल के 100 बेहतरीन स्कूलों में शामिल होने पर किया गया सम्मानित। कलेल की माध्यमिक वरिष्ठ पाठशाला चंबा से 45 किलोमीटर दूर है, जिसने हालातों और सुविधाओं से परे एक ऐसी तस्वीर पेश की जिससे न सिर्फ स्कूल गौरवान्वित हुआ बल्कि दूसरे स्कूलों के लिए भी एक मिसाल बन चुका है ये स्कूल। कुदरत के करिश्मे के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और मंदिर अब नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ चढ़ावा चढ़ाने की सख्त मनाही है।